मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह समेत हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में शिवराज सिंह चौहान ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से विश्वविद्यालय परिसर में भेंट की। धामी ने सीएम शिवराज सिंह को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य जी का चित्र एवं सांची स्तूप की प्रतिकृति दी, जहां उन्होंने कहा कि मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमारे गायत्री परिवार ने अद्भुत प्रयास किया है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भारतीय संस्कृति, जिसका प्रसार पूरी दुनिया में था और हर जगह उनके पदचिन्ह दिखाई देंगे। प्रसन्नता से भरा हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारे गायत्री परिवार ने जो अद्भुत प्रयास किया है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से कि भारतीय संस्कृति, जिसका प्रसार पूरी दुनिया में था और हर जगह वो पदचिन्ह दिखाई देते हैं, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्यों में साम्यता है और स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो किसी न किसी रूप में वहां प्रचलित है। बाल्टिक देश, लिथुनिया, इस्टोनिया, लाटविया, वहां भी भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये बाल्टिक सेंटर ने न केवल उन देशों को जोड़ा है, बल्कि हमारी समान परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कृति, उसका अध्ययन करके उसको विश्व के सामने रखा है। बाल्टिक कंट्रीज में यज्ञ हो, मंत्रों का गुंजार हो, कर्मकांड हो, वो सारे इन प्रयासों से फिर से यशस्वी हुए हैं। वहां के विद्यार्थी भी यहां अध्ययन के लिए आते हैं, राजनेता भी आते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत और इन दो देशों को जोड़ने का जो प्रयास किया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। अद्भुत है ये बाल्टिक सेंटर। परम पूज्य गुरुदेव का एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन रहा कि जो भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह हैं, जो विश्व के कोने कोने में दिखाई पड़ते हैं, उनको हम लोग किस तरह भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, और उस दिशा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक नवोन्मेष को साकार करना रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है कि जो बाल्टिक देश हैं, लाटविया है, लिथुएनिया है, एस्टोनिया है, जहाँ पर संस्कृत के जो पदचिन्ह हैं बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। देव शब्द है, गृहति शब्द है, बृहत शब्द है, चक्षुष है, न्यासाज है, हस्ताज है, मुखाज है, पादाज है, भाषा की साम्यता है, सांस्कृतिक साम्यता है, अग्नि को एक देवीय तत्व के रूप में स्वीकार करना है, भगवान सूर्य को उषा के एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना है, ऐसे अनेकों साम्यताओं के जो वहाँ पर स्वरूप देखने को मिलते हैं उनको केंद्र में रखकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा एशिया का पहला, अकेला और दुनिया का सबसे बड़ा बाल्टिक सेंटर यहाँ शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि आज गायत्री परिवार के अनन्य और हम लोगों के आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो इस केंद्र का एक भ्रमण करने के लिए आए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस तरह की गतिविधियों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 42 के करीब कोलैबोरेशन उसी बाल्टिक क्षेत्र के अंदर हैं और वहाँ के हजारों विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं, शिक्षा प्रदान कर चुके हैं और ये गतिविधियाँ इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, ऐसी हम लोगों की भावना है।